हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉलीवुड एक्सप्लेंड इन हिंदी। दोस्तों, आज हम हमारे यू इस सीरीज़ के एपिसोड नंबर 6 को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे। इसके पहले 5 एपिसोड को मैंने ऑलरेडी हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया, तो आप उन वीडियोस को भी जल्दी ही चेकआउट कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जो कि बचपन वाले फ्लैशबैक से, जहाँ जो एक बुक पढ़ रहा होता है। तो वही नर्स जिसे हमने लास्ट एपिसोड में भी देखा था, वो फिर से उसे सैंडविच देकर उसकी केयर कर रही होती है। बैक टू प्रेजेंट, जो अब मैरियन के पीछे उसके घर में घुस जाता है, उसके बारे में जानने की कोशिश करता है। तभी मैरियन घर आ जाती है और जो को बेड के नीचे छुपना पड़ता है। अब मैरियन कहीं जाने के लिए रेडी होने लगती है, जो कि जो बेड के नीचे से देख रहा होता है। तभी जो को लव का मैसेज आता है, जहाँ जो उसे बताता है कि वो आज घर आने में लेट हो जाएगा। उधर लव को फिर से थियो का टेक्स्ट आता है, जिसके बाद वो लो फील करने लगती है। तभी लव साइड में रखी हुई प्रेगनेंसी की किट की ओर देखने लगती है और सीन यही कट हो जाता है। अब हम थियो को देखते हैं, जहाँ मैथ्यू अपने बिजनेस ट्रिप से डिसाइडेड टाइम से पहले ही लौट आता है। उधर थियो अब फिर से लव को टेक्स्ट करने लगता है, जहाँ लव बहुत टेंशन में होती है क्योंकि वो थियो से प्रेग्नेंट है एंड वो ये बच्चा नहीं चाहती। जहाँ स्ट्रेस फ्री होने के लिए वो अपने मरे हुए भाई फोर्टी को टेक्स्ट करके सब कन्फेस करती है दैट शी चीटेड ऑन हर सोलमेट जो। और जैसा फोर्टी ने एक बार कहा था, वो बहुत ही बुरी माँ बनेगी, तो शायद वो सही भी था। एंड इवन दो इसके मैसेज का कोई रीड नहीं करने वाला या फिर कोई रिप्लाई भी नहीं देने वाला, शी कीप सेंडिंग देम टू फील रिलीफ। तभी उसे घर के बाहर से काफ़ी लाउड म्यूजिक की आवाज़ आती है, जिसे देखने पर वो भागकर वहाँ जाती है और थियो को म्यूजिक बंद करने को कहती है। एक्चुअली लव उसके मैसेजेस का रिप्लाई नहीं दे रही थी, इसीलिए उसके अटेंशन के लिए थियो ये सब कर रहा था। अब वो फिर से लव से इमोशनल होकर बातें करने लगता है, ताकि लव उसे फिर से बात करना शुरू करे। अब शाम को लव अपने हाथ से खाना बनाकर जो को अपने हाथ से खिलाती है, जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल मोमेंट होता है। यह लव एंड जो दोनों मन में कह रहे होते हैं कि वो इतने प्योर प्यार को डिजर्व नहीं करते, क्योंकि लव उसे थियो के साथ चीट कर रही होती है। तो जो यह लव के जाने का वेट कर रहा होता है ताकि वो मैरियन का पीछा कर सके। यह जो मन में ये भी कह रहा होता है कि लव उसके हेनरी की माँ है एंड उसका सच्चा प्यार है। चाहे जो हो जाए, उसे इस रिलेशन को अच्छे से निभाना होगा। अब मैथ्यू के घर पे उसके कंपनी की अटर्नी जीन आ जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि मैथ्यू ने नेटली के मर्डर की इन्वेस्टिगेशन के लिए एक प्राइवेट डिटेक्टिव हायर किया था एंड वो उसके सभी नेबर्स की इन्फॉर्मेशन भी निकाल रहा था। यह जीन और मैथ्यू को लव पर ही शक था। यह जीन उसे वॉर्न भी करती है कि उसे ये सब बंद करना चाहिए, क्योंकि लव के डैड रैन क्वीन बहुत ही पावरफुल आदमी है। अब सीन शिफ्ट होता है ग्लैमा के विनयार्ड पे, जहाँ लव हेनरी के साथ पहुँचती है, जहाँ ग्लैमा शेरी के ब्लॉग के लिए एक वीडियो इंटरव्यू दे रही थी, जिसमें वो खुद का ही प्रमोशन करती है। जिसके बाद यहाँ एक द सीक्रेट ऑफ जॉय नाम की बुक की रीडिंग होती है, जहाँ लव भी होती है, जहाँ ऑथर और लव में थोड़ी नोकझोंक भी हो जाती है एंड लव उसे नार्सिसिस्ट कहकर बाहर आ जाती है। बाहर उसके पास शेरी और ग्लैमा भी आते हैं, जहाँ शेरी और ग्लैमा लव का मूड चेयर अप करने के लिए उसे भी शेरी के ब्लॉग के इंटरव्यू में ऐड करते हैं, जिसके दौरान ग्लैमा लव की प्रेगनेंसी वाली बात रिवील करती है, जिससे लव को उसका काफ़ी गुस्सा आता है। वो उसे बुरा भला कहने लगती है, जिसके रिप्लाई में ग्लैमा लव को बोलती है कि उसके मेस्ड अप लाइफ की रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही है। तो उधर लाइब्रेरी में किसी अर्जेंट काम से मरियन बाहर जाती है, जिसके बाद जो उसके केबिन में जाकर उसके बारे में पता करने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मैरियन के उसके एक्स हस्बैंड के साथ चाइल्ड कस्टडी के लिए केस चल रहा है। शाम को थियो मैथ्यू के लिए खाना लेकर उसके पास जाता है, जहाँ मैथ्यू सोया होता है, तो वही स्क्रीन पर थियो उसके सभी नेबर्स की फोटोज मिलती है। उधर लाइब्रेरी में मैरियन का एक्स हस्बैंड आ जाता है, जहाँ मैरियन और उसका झगड़ा होता है। तभी जो भी वहाँ आता है और मैरियन का एक्स हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि वही न्यूज़ रिपोर्टर है जिसे हमने एपिसोड 2 में देखा था। मैरियन और उसका झगड़ा होता है, तभी जो भी वहाँ आता है और मैरियन का एक्स हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि वही न्यूज़ रिपोर्टर है जिसे हमने एपिसोड 2 में देखा था। जिसके जाने के बाद मैरियन जो पर ही चिल्लाती है। अब रात में मैरियन जो को कॉल करके बुलाती है, क्योंकि बारिश की वजह से स्प्रिंकलर सिस्टम खराब हो गया था और बहुत सी बुक्स भी खराब हो गई थी, जिसके बाद जो बुक्स को रिपेयर करने लगता है।
जहाँ मैरियन उसे सॉरी बोलती है, जिसके बाद इनकी बातों बातों से हमें पता चलता है कि दोनों ऑर्फनेज में अपनी मॉम का वेट करते रहे थे पर वो कभी नहीं आई। उधर लव को फोर्टी के हेलुसिनेशन आने लगते हैं, जहाँ फोर्टी लव को बताता है कि जो उसका सोलमेट नहीं है बल्कि फोर्टी है, क्योंकि फोर्टी ही उसे हर तरह से समझता है। नेक्स्ट मॉर्निंग शेरी लव के पास आती है एंड उसे बताती है कि उसे जो और अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए अपने पास्ट को छोड़ना होगा, जिसके लिए लव फोर्टी की सभी चीज़ों को डस्टबिन में डालकर उसका नंबर डिलीट कर देती है और उसे हमेशा के लिए गुड बाय कर देती है। तभी वहाँ थियो आ जाता है, जो लव को बताता है कि मैथ्यू इंक्लूडिंग लव एंड जो लोगों पर नज़र रख रहा है और ये सब नेटली के मर्डर से ही कनेक्टेड है। तो उधर जो अपनी कार से मैरियन पर नज़र रखता है, तभी फिर से जो का एक फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है, जहाँ जो उसी नर्स फियोना के पास जाता है, जहाँ एक बंदा उसे फ्लास्क देकर सॉरी बोल रहा होता है, जहाँ नर्स उसे बाहर जाकर बाकी बच्चों के साथ खेलने को बोलती है। बैक टू प्रेजेंट, जो अब मैरियन के पास रिजाइन करने जाता है, क्योंकि अगर लव को मैरियन के बारे में पता चला तो वो मैरियन को मार देगी। पर सरप्राइजिंगली मैरियन यहाँ जो को आई लव यू बोल देती है। अब जो के घर पे आने पे लव जो को मैथ्यू के इन्वेस्टिगेशन के बारे में सब बता देती है एंड साथ ही अपना प्लान शेयर करती है कि वो थियो से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उसके साथ प्यार का नाटक करेगी। जो भी रेडी हो जाता है, एज लव इसमें बिजी रहेगी तो उसका मैरियन पर ध्यान नहीं जाएगा और एपिसोड 6 यही ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आई थिंक आप लोगों को ये सीरीज़ पसंद नहीं आ रही है, तो हम शायद इस सीरीज़ को यही स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमारे पिछले वीडियोस को कुछ ज़्यादा व्यूज़ नहीं आए हैं। थैंक यू दोस्तों।